नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये बाल्टी में गन्ने का रस है। ये जहाँ गुड़ बनता है ना, जहाँ की मशीन से, बड़े बड़े मशीन से सारा गन्ना पेराया जाता है, वहीं से ये रस आया है रसिया के लिए। तो अब पता नहीं आप लोग इसे क्या कहते होंगे, हम लोग तो यहाँ रसिया कहते हैं। और इसे हम जितनी भी गंदगी थी वो सब निकाल दिए हैं। अब छन्नी से इसे छान लेते हैं, क्योंकि ये गन्ना जो है वो पूरा छील करके जैसे मार्केट में पिराता है ना, वैसे नहीं पिराता है। और ये नीचे का गाद जो है वो फेंक देंगे। अभी ये देखिए, ये जो है गन्ने का रस, ये बिल्कुल कालापन में है, देखिए। और ये थोड़ी सी गाढ़ी भी है, और इसमें ब्लैक पेन थोड़ा ज़्यादा है, यानी कालापन थोड़ा ज़्यादा है। और हम इसे अब चढ़ा दिए हैं, और इधर 250 ग्राम के लगभग चावल को फूलने दे दिए हैं। अरवा चावल है ये, और रस को हम चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। और इसके ऊपर जो ये जम रही है इसे हम निकालते जाएंगे। अगर हम इसे नहीं निकालेंगे ना, तो ये वो रसिया जो बनेगी तो वो थोड़ी क्या मतलब दांत में हल्का सा वो लगता है, यानी वो किचकिच के तरह जो करता है वो है, क्योंकि रस तो पूरा साफ़ नहीं होता है ना। गन्ना जो होता है वो छिलका जो है उसका लगा हुआ वो सही पेरा जाता है, छील करके नहीं पेराता है। तो हम इसका इस तरह करके इसका महिया काटा जाता है। तो इस तरह देखिए, जितना भी ऊपर में जितना भी वो फेन की तरह होता जाएगा, हम उसे सारा का सारा निकालते जाएंगे महिया। और जहाँ ये गुड़ बनता है ना, वहाँ भी, वहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा वो कढ़ाई रहता है, जिसे कढ़ाई नहीं काढ़ा कहा जाता है, बहुत बड़ा बड़ा रहता है। उसमें क्विंटल का क्विंटल रस एक बार में उबल करके गुड़ बनता है। तो वहाँ जो ये महिया कटाता है तो वहाँ तो ये बिक्री हो जाता है महिया, इसका शायद कुछ उपयोग होता है। तो जो उपयोग में इसे लाते हैं वो खरीद करके ले जाते हैं महिया को। और बाकी गन्ने का गुड़ बनता है, गन्ने के रस का। तो इस तरह देखिए, इसकी खीर है, मतलब खीर कह सकते हैं हम लोग यहाँ रसिया कहते हैं, वो खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ना तो इसमें अलग से पानी की ज़रूरत होती है, ना अलग से कोई भी मिठास की ज़रूरत होती है, ये खुद ही इतना मीठा होता है कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके यहाँ अवेलेबल हो तो ज़रूर बना कर खाइए। वैसे गन्ने का रस हर जगह अवेलेबल तो नहीं होता है, हमारे यहाँ इस बार था तो जहाँ वो गुड़ बनता है वहीं से मंगाई थी। ऐसे ही खाने का मन किया था, ऐसे तो हमेशा तो ये खा नहीं सकते हैं ना। जब ये रस अगर कहीं से मिल जाए तभी ऐसा। तो हमारे बिहार झारखंड में है कि खेत वगैरह है, तो जैसे कोई दूध वाला भी दूध देने के लिए आता है तो वो लोग के यहाँ भी खेती होता है, तो वो लोग भी दे जाता है। अब देखिए पहले रस कैसा था और अब देखिए रस, पहले का रस में कालापन था और अभी देखिए कितना साफ है रस। तो क्या हुआ कि इसका सारा महिया जो है काट करके निकाल दिए, तो रस इतना साफ़ हो गया। अगर महिया नहीं काटते, उसमें चावल डाल देते ना, तो क्या होता कि वो खाने में जो है ना अच्छा नहीं लगता, कचकच करता। और रस साफ़ हो गया है, तो जो हम चावल फुला करके रखे थे ना 250 ग्राम, वो हम सारे चावल को इसमें डाल देंगे। और डालते डालते इसमें धीरे धीरे करके
इसे पकाते जाएंगे। देखिए सारे चावल डाल दिए हैं, और अगर हो सके तो मैं बोलूँगी अगर बच्चे जाएंगे तो जहाँ गुड़ बनता है तो कैसे गुड़ बनता है वो भी दिखा देती कि किस तरह से गुड़ तैयार होता है। तो ये देखिए हम चावल में डाल दिए हैं, अब इसे धीरे धीरे चलाते हुए इस तरह करके पकाते जाएंगे। इसमें एक्स्ट्रा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, स्वाद के लिए आप चाहे तो इलायची वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं, तो हम इलायची वाला तो नहीं खाते। तो 4 से 5 तेज पत्ता है वो हम इसमें डाल दिए हैं, और थोड़ी सी अदरक हम इसमें डाल देंगे, करीब 1 इंच 1 से 1.5 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा को कूट करके, पीस करके नहीं डालेंगे, पीसा हुआ का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, उसे कूट देंगे। और पूरा जो कूटा हुआ रहता है तो वो रसिया के साथ जो मुंह में थोड़ा थोड़ा सा वो अदरक का टुकड़ा जाता है उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसलिए अदरक को कूट करके उसमें डाल देते हैं। अब देखिए फिर इसे अदरक डाल करके चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए पक रही है रसिया। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे छठ होता है ना, तो छठ का जो खरना होता है तो उसमें ये रस की बिक्री होती है, जहाँ रस वो पेराता है ना तो वहीं से रस बिक्री होती है, तो वहीं से रस सब एक एक बाल्टी खरीद करके ले जाता है, और रस का ही रसिया बनता है। जहाँ रस अवेलेबल नहीं होता वहाँ तो गुड़ का बनता है रसिया।